दोस्तों जया बच्चन इस वक्त अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की डायवोर्स को लेकर काफी इमोशनल नजर आ रही हैं और ये इमोशंस तब नजर आए जब मीडिया वालों ने अभिषेक और ऐश्वर्या राय के डायवोर्स के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछे। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस वक्त ऐश्वर्या राय और अभिषेक का रिश्ता टूटने के बहुत ही करीब है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय इनके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा और इस वक्त पूरी मीडिया की नजरें बच्चन फैमिली पर है। दोस्तों ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का रिश्ते में आज से पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अब उनकी डायवोर्स की न्यूज सुनकर उनकी फैमिली टूट सी गई है, खास तौर पर जया बच्चन जी। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जया बच्चन ये सब सुनकर टूट सी गई है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही और उन्हें बहुत गहरा सदमा आया है, क्योंकि वो अपनी बहू ऐश्वर्या से बहुत प्यार करती हैं और वो नहीं चाहती कि ऐश्वर्या राय और उनके बेटे अभिषेक के बीच डायवोर्स हो। जया बच्चन मीडिया से बात करते वक्त बहुत दुखी हो गई थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका कहना था कि इस टॉपिक पर बात ना करें तो अच्छा होगा। वहीं अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो वो हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आए थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उनका भी यही कहना है कि दोनों आपस में बातचीत करके इस मामले को यहीं रफा दफा कर देना चाहिए, क्योंकि अमित जी की बॉलीवुड में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है और वो नहीं चाहते कि अभिषेक और ऐश्वर्या एक दूसरे से डायवोर्स लें। वेल दोस्तों, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। और दोस्तों आपको जया बच्चन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप बच्चन परिवार के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और मजीद ऐसी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।